खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां पर नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर डीएम प्रमोद कुमार ने टीम गठित कर छापेमार कार्रवाई की। फैक्ट्री में काम कर रहे चार लोगों को टीम ने मौके से पकड़ा है। मुख्य आरोपी भाग जाने में सफल रहा। ये खाद बनाने का एक कारोबार पर छापा मारा गया, क्या है पूरा? ये आज सूचना मिली थी, किसी ने फोन कर बताया था कि यहाँ नकली खाद बनती है, तो यहाँ टीम भेजी गई। किसी अधिकारी और जो इसके लिए विशेषज्ञ लोग हैं, तो देखा यहाँ पे कि राजस्थान से सिल्का सैंड का एक जो ट्रक आया हुआ है सामने, वो सिल्का सैंड का एक ट्रक आया हुआ है। सिल्का सैंड का किसी भी खाद में कोई उपयोग नहीं होता है, तो इसको मिला के यहाँ पे नकली खाद बनाई जा रही है, जिसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। ये पकड़ा गया है, इसमें कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें कितने चार कोई पकड़ा भी गया है? यहाँ के अभी जो है काम करने वाले कर्मचारी टाइप के हम लोग यही हैं, यहाँ मिले, और बाकी कोई मेन आदमी जो इसका है वो यहाँ पर नहीं है। जाँच होगी तो जिम्मेदार होगा उसको पकड़ा जाएगा। ठीक। तकरीबन 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब हिंडन एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। आगामी 11 नवंबर को यहां से पहली उड़ान पिथौरागढ़ के लिए होगी, जिसका किराया 2500 रुपये होगा। देखिए, सिविल टर्मिनल से 11 तारीख से हिंडन पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू हो रही है। उसकी क्या तैयारियाँ हैं उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पर जो एयर हेरिटेज जो इसको मैनेज कर रहे हैं उनसे बातचीत हुई, उनकी तरफ से ओके है, वो सारी व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एयरपोर्ट की अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई है, उनके कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि उनको कुछ साफ़ सफाई का प्रबंध है, कुछ उनको ये इशू है, एम्बुलेंस का इशू है, तो वो सब इशूज़ को हम लोगों ने टेकअप कर लिया, उसको हम पूरी तरह से कराएँगे। और तीसरा इशू ये है कि जो यहाँ के बाहर का पार्ट है उसमें कुछ क्षेत्रीय किसानों की भी समस्याएं हैं, कुछ बातें हुई थी कि उनको अप्रोच रोड देना है, कुछ नाले के निर्माण की बात है, तो उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, उस पर भी एक प्लान बना करके इसको हम जल्दी जल्दी पूरा कराएंगे। कुल मिला के क्योंकि हमारी फ्लाइट 11 तारीख से शुरू हो रही है, ये गाज़ियाबाद के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और ये भी शुरुआत है, आगे और स्टेशन के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि और ज़िले भी अच्छी कनेक्टिविटी गाज़ियाबाद को देश के अन्य भागों से मिले। सर, एयरपोर्ट के बाहर चौकी बनाने की बात हो रही है, वो भी बात है, वही हमने आपको बताया कई इशूज़ एड्रेस हुए हैं कि यहाँ पर एक कोई चौकी की भी स्थापना की है। जब तक ये चौकी की स्थापना नहीं होती है, जब तक गार्बेज का समुचित प्रबंध अथॉरिटी नहीं करती है, तब तक जो जिला प्रशासन है वो उसको हर तरह से व्यवस्थाओं को मैनेज करेगा, ताकि किसी तरह की कोई समस्या यात्रियों को जिससे हमारी फ्लाई करेंगे इस एयरपोर्ट से उनको ना आने पाए। सर, 2 दिन बाद फ्लाइट स्टार्ट है, चौकी नहीं बनी है, तो इसकी नहीं चौकी यो हेरिटेज एविएशन। सर, फ्लाइट शुरू हो रही है पिथौरागढ़ के लिए, कितनी कैपेसिटी है, क्या उसका कॉस्ट है? देखिए, हम लोग हिंडन एयरपोर्ट से शुरुआत करने वाली पहली एयरलाइन होंगे, और उड़ान योजना जो भारत सरकार की है उसके अंतर्गत हम लोग हिंडन से पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अभी हम लोग एक फ़्लाइट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 9 सीटर जहाज़ है, ये करीब 12:30 बजे फ़्लाइट 11:30 बजे पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए रवाना होगी, और 1 बजे हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगी। डेली फ़्लाइट है, हफ्ते में 6 दिन। थर्सडे को फ़्लाइट नहीं चलेगी, थर्सडे को ऑफ डे होगा, बाकी सारे दिन डेली एक फ़्लाइट चलेगी। बहुत जल्दी हम लोग सेकेंड फ़्लाइट भी शुरू करेंगे विद इन अ मंथ, हमारी कोशिश है कि महीने भर के अंदर, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसको देखते हुए हम लोग एक दूसरी फ़्लाइट यहाँ से सेम कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट से शुरू करेंगे। इसमें जो किराया निर्धारित हुआ है उड़ान योजना के अंतर्गत, ये 2270 रुपये है हिंडन से पिथौरागढ़ का, और 2470 रुपये है पिथौरागढ़ से हिंडन का। उड़ान योजना के तहत हम लोगों को काफ़ी रूट्स मिले हैं, जिसमें हिंडन एयरपोर्ट से हमारे पास 2 रूट्स हैं, एक हिंडन से पिथौरागढ़ है और एक हिंडन से शिमला है, और हमारी कोशिश है कि इस साल के अंत तक हम हिंडन से शिमला भी शुरू कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि 11 अक्टूबर से यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए सिविल टर्मिनल से उड़ान प्रारंभ हो रही है, उसके दृष्टिगत चूंकि इस सिविल टर्मिनल की सिक्योरिटी का जो दायित्व तो है वो ये रीजनल के अंतर्गत आता है, तो इसका दायित्व तो यूपी पुलिस के पास है, तो यूपी पुलिस के जो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है, वो वेल ट्रेंड हैं, और इसकी शुरुआत की जा रही है, डेमो भी किया जा रहा है, और अंदर की जो सुरक्षा है वो यूपी पुलिस के लोग जो इसके लिए अलग से ट्रेंड किए गए हैं और केवल इसी कार्य के लिए तैनात रहेंगे, तो वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको इनका डेमो भी किया जा रहा है। बाहर यहाँ करीब 4 दर्जन से ज़्यादा लोग तैनात किए गए हैं विभिन्न शिफ्ट में, तो उनको तैनात किया जाएगा,
जो BCAS का नियम है उसके अनुसार यहाँ पे तैनाती की गई है। बाहर की सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो बाहर की सुरक्षा को भी टाइटेंड किया गया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में आता है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पहले से ही प्लान बनाया जा चुका है। ये चूँकि काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला एरिया होगा तो उसके अनुसार और फोर्स डिप्लॉय रहेगी और व्यवस्थित ढंग से इसको प्रारंभ करवाया जाएगा। देखिए एयरबेस पहले से यहाँ है, उसकी सुरक्षा। नागौर जिले के परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के जन्मदिन पर आज दिन भर से शुभकामनाएं आईं। विधायक ने सुबह गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद गौशाला में जाकर गाय को गुड़ लापसी खिलाई, बाद में अपने आवास पर पौधारोपण भी किया। विधायक आवास पर दिन भर लोगों ने विधायक को जन्मदिन की बधाई दी, वहीं केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर 101वां उर्स रिजवी बरेली शरीफ के सर जमीन पर 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश विदेश के लाखों जरीन उर्स में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। जायरीनों की भारी तादाद को देखते हुए ऑल इंडिया राजा एक्शन कमेटी ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। जी आज ऑल इंडिया एक्शन कमेटी के तमाम पदाधिकारी उर्स आला हजरत जो आने वाला 23, 24, 25 अक्टूबर को है 101वां उर्स आला हजरत मनाया जाएगा। शहर बरेली शरीफ में शहर आला हजरत में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जायरीन उर्स मुकद्दस में शिरकत करने आते हैं, कुल शरीफ में शिरकत करने आते हैं। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी ज़िला महोदय से मांग करती है कि बरेली शहर की चारों तरफ की जो आने वाले रास्ते हैं उनको दुरुस्त रखा जाए, जो सड़कें फूटी हुई हैं उनको अच्छा रखा जाए, 3 दिन तक बिजली का अच्छा इंतज़ाम रखा जाए, पानी का इंतज़ाम रखा जाए, आने वाले जायरीनों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने प्रतापपुर क्षेत्र में स्थित बिजली घर के पास धरना प्रदर्शन किया। धरने में किसान अपनी 8 सूत्रीय मांग कर रहे। वहीं किसान नेता विजयपाल गोपला का कहना था कि उनकी सभी मांगे जायज हैं, अगर उनकी मांगे दरकिनार की गई तो किसान बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। सर आज धरना दिया था भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में, क्या आपकी वार्ता हुई, क्या समाधान निकाला? हमारी वार्ता चल रही है और हम लोग समाधान की तरफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनकी मेन मांग ये है कि उनका गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जो गन्ना विकास के अधिकारी हैं उनको भी बुलाया है और जो उनकी समस्या है गन्ना का पेमेंट हो जाए ताकि जो है वो बिजली विभाग का जो भी पेमेंट है उसको समय से कर सकें, उस बारे में वो बुला रहे हैं गन्ना विकास अधिकारी, उस पर कार्रवाई। एसडीओ साहब और अवर अभियंता के संज्ञान में लाए बिना कुछ लाइनमैन ऐसे हैं जो किसी प्रकार की जो सेटिंग कैंपिंग करके भ्रष्टाचार करते हैं या कनेक्शन जोड़ने काटने के अवैध में वसूली करते हैं, अगर इस प्रकार के कुछ मामले प्रकाश में आएंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? सर बिल्कुल कार्रवाई की जाएंगी, हम उनसे मालूम कर रहे हैं कि कौन से ऐसे आदमी हैं जो हमारे बीच में इस तरह की गलत काम कर रहे हैं, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जी आज क्या प्रकरण है, आज क्यों ये धरना दिया गया है, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और क्या ऐसा आक्रोश है? ये जो है बिजली विभाग द्वारा और ये जो नगर निगम है इनके द्वारा और जो गन्ना विभाग है, जो उत्पीड़न हो रहा है किसान का हर क्षेत्र में उसके विरोध में सामूहिक है। हो क्या रहा है, हमारा पिछले साल का गन्ना पेमेंट 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपया बकाया उत्तर प्रदेश में, उसमें से हम भी सरकारी फैक्ट्री मोहद्दीनपुर है इस पे भी बकाया है। हम कोई सरकारी देख कहां से दे देंगे जब हम पे है नहीं। हमारे खिलाफ FIR होना, हमारे खिलाफ कनेक्शन कटना, ये जो रोजगार उत्पीड़न है फिर पैसे लेकर जोड़ना फिर काटना या प्रक्रिया जो चल रही है इसे बंद करने के लिए, या तो ये करें अगर किसानों से दुखी हो गए तो हम जितना किसान समाज है ठाके जेल में बांट देने। अगर हम अपने बच्चे की फीस जमा नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरत की दवाई नहीं दिवा पा रहे, हम कहां से इनका दे देंगे सरकारी दे? तुरंत हमारा गन्ना पेमेंट पिछले साल का मैं ब्याज के तुरंत हो, जितने आवारा पशु खेतों में छुड़वाए जा रहे हैं इन्हीं का तुरंत इंतजाम हो। हमारे यहाँ शताब्दी नगर में कम से कम 1000 के करीब ये पशु थे, उनमें तो अब भी मेरे ख्याल से 150-200 पशु आवारा है। तो मेरा कहना ये हुआ, हमारा कहना ये हुआ, संगठन का कहना ये हुआ, अभी ये जितनी हमारी उचित मांग है भाई, जैसा जब तक हम पर किसान को पैसा ही नहीं मिलेगा गन्ने का भुगतान हम कहां से कर देंगे, तो हमारी ये मांग है गन्ना भुगतान तुरंत करवाया जाए, जितनी FIR या जितने कनेक्शन कटे हैं वे तुरंत वापिस करवाए जाए, भाई यार जो कनेक्शन कटे वे तुरंत जुड़वाए जा, तो अवैध वसूली जो तुरंत बंद करी जा। तो आज की मांगों के प्रति संबंधित अधिकारियों ने क्या संतुष्टि जताई है? अभी हमारे एक्शन साहब आए, SDO साहब आए, वर्तमान यहाँ जो JEE है वे भी है, हमारे और JEE आ रहे हैं,
अभी हम जो हैं केवल यहाँ बैठे हैं, अगर इन्होंने समय रहते नहीं करा तो फिर हम जो लाइनें चल रही हैं, अगर बिजली हमें नहीं है तो बिजली किसी को भी नहीं मिलेगी। अच्छा, नॉन पेमेंट पे जो कनेक्शन काटे जा रहे थे उस संबंध में क्या बयान था आपका? हमारा तो ये कहना है नॉन पेमेंट पे कनेक्शन काट ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का ये कहना जब तक मैं ब्याज के इन्हें पैसा नहीं मिलेगा कोई सरकारी नहीं दे सकते किसान। मैं ब्याज के पैसा तो हमें हमारे यहाँ जो हम रोज का उपयोग की चीज खरीद रहे उसके भाव तिगने हो गए। 3 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। जिस जीवन को हम जी रहे हम समझते इससे जो लोग बतावे जो अंग्रेज थे वे ज्यादा अच्छे थे। तो छोटे या बड़े स्तर पर कहीं भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है? सारा भ्रष्टाचार ही हो रहा है, कनेक्शन काटने के नाम पे, कनेक्शन जोड़ने के नाम पे। और एक और हो रहा, स्मार्ट मीटर कह रहे हैं उनके इनका ही विभाग जो भाजपा का ही विभाग है वो स्मार्ट मीटर जो है वे लुटेरे मीटर है, ये मान चुके हैं कि वे लुटेरे मीटर है, वे तुरंत हटवाए जाए। जो सामान्य मीटर है जो ब्लैक लिस्ट कंपनी है उसके मीटर लगवाए जा रहे, जो बकौल इनके बताए जा रहे। तो मेरा कहना यो है किसान को जीलन दो, पेट हमारे भी लगवाया, और नहीं तो एक कुदरत ऊपर भी है जो इनकार हमारा इंसाफ करेगी। अब तो हम यहां से जब जाएंगे, जब हमारी ये उचित मांगे मान ली जाओ।